ये पूरी तरह से लूट खसोट इसमें मचाया जा रहा है। वहाँ काम कर देगा, इसको पैसे में लूट करना है, पैसे का लूट करना है, और लूट खुलेआम कर रहा है जो जनता जानती है। इसके बाउंड्री वाल जो कि पहले से दुरुस्त थे, उस बाउंड्री वाल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। इसमें पैसों की लूट खसोट मचा कर रखी है। ये तो एकदम खड़े खर लूट मचा के रखा हुआ है यहाँ पे। भागलपुर में शहरवासियों को लंबे समय से हवाई सेवा का इंतजार तो अभी तक पूरा नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ पीएचडी विभाग और स्मार्ट सिटी योजना के तहत हवाई अड्डे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एक तरफ जहां रनवे को नया बनाया गया, लेकिन उसमें भी घोर अनियमितता बरती गई। रनवे का गिट्टी ऊपर ऊपर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करोड़ों की लागत से चार दीवारी को तोड़कर उस पर फिर से रंग रोगन और तस्वीर बनाए जाने का काम किया जा रहा है। हवाई सेवा की शुरुआत तो नहीं हो पाई, लेकिन सरकार की करोड़ों की राशि जरूर इसमें खर्च हो गई, जिसको देखने के लिए आज शहर की प्रथम नागरिक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने कई पार्षदों के साथ हवाई अड्डा और उसकी चार दीवारी का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब हवाई सेवा की शुरुआत ही नहीं हुई और न ही कोई सुगबुगाहट है, उसके बावजूद करोड़ों रुपये लगाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। कहीं न कहीं यह सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो एबीडी एरिया में जो पड़ता है स्मार्ट सिटी की तरफ से, उसका मैंने निरीक्षण किया, तो हम अभी सबौर ब्लॉक में पड़ता है ये एरिया, वहाँ पे हम खड़े हैं और ये पूरी तरह पंचायती एरिया है और हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तरह से पेवर ब्लॉक लगाया गया है और नाले का निर्माण कराया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ स्मार्ट सिटी के MD से और CGM साहब से, आपने किसके तहत किस बेसिस पे जो ABD एरिया में नहीं है वहाँ पे पेवर्स ब्लॉक लगाया और नाले का निर्माण कराया, जबकि हमने आपको कई बार पटेल बाबू रोड के बारे में बोला है, कई बार मीटिंग में भी अपनी बातों को रखी है कि पटेल बाबू रोड जो ये हृदय स्थली है, उसके एक तरफ आपने पेवर ब्लॉक लगाया और नाले का निर्माण कराया और दूसरी तरफ छोड़ दिया, जबकि वो तो ADB एरिया में है और ये एरिया में नहीं रहते हुए भी आपने किसके तहत यहाँ पे पेवर ब्लॉक और नाले का निर्माण कराया है। चार दीवारी तो स्मार्ट सिटी के तरफ से हो रहा है, उसका तो हमने निरीक्षण किया ही, ये तो बिल्कुल बेकार चीज है। जो बाउंड्री अच्छी खासी थी उसको तोड़ करके बनाया जा रहा है, जिसका की कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब यहाँ से हवाई जहाज उड़ना ही नहीं है तो बाउंड्री और ये इस पर पेंटिंग की क्या आवश्यकता है। ये 18 करोड़ के रुपए से बाउंड्री बन रही है, लूट हो रहा। ये पूरी तरह से लूट खसोट इसमें मचाया जा रहा है। बाउंड्री वाल को बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो बाउंड्री वाल पहले से था उसको दुरुस्त कराया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। वही दूसरी ओर पार्षद का कहना है कि एक तरफ जहां रेलवे स्टेशन पर हजारों हजार की संख्या में यात्री रोज उतरते हैं, वहां पर कोई सौंदर्यीकरण का काम स्मार्ट सिटी के द्वारा नहीं किया गया, वहीं जहां हवाई सेवा शुरू भी नहीं हुई वहां करोड़ों रुपये स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगा दिए गए। आज तो स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा सामने आया घोटाला, जो बूढ़ानाथ रोड जो ADB एरिया में आता है, उसका सड़क का निर्माण होना था, पहले से ही प्रपोजल दिया हुआ था, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। लेकिन सबौर ब्लॉक में बहादुरपुर पंचायत में, बरारी पंचायत में आपका स्मार्ट सिटी से काम होना, यह तो स्मार्ट सिटी का तोहनी है और हम लोगों के साथ शहरी वासी के साथ बड़ा अन्याय किया है। स्मार्ट सिटी पर कोई लगाम नहीं है, जहाँ चाहता है वहाँ काम करता है, किसी से पूछता नहीं है, चाहे वह देहाती क्षेत्र हो वहाँ काम कर देगा। इसको पैसे में लूट करना है, पैसे का लूट करना है, और लूट खुलेआम कर रहा है जो जनता जान रही है। कि हवाई जहाज भागलपुर से हवाई सेवा अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी परियोजना से, जो इतनी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही एक स्वर्णिम योजना है, उसके तहत भागलपुर में अन्य जगह जहां पर जनोपयोगी कार्य होने चाहिए वो कार्य न करा के यहां पर जहां से हवाई सेवा प्रारंभ तक नहीं हो पाई है, वहां पर उसके बाउंड्री वाल जो कि पहले से दुरुस्त थे, उस बाउंड्री वाल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है। इसमें पैसों की लूट खसोट मचा कर रखी है और मुझे लगता है इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, क्योंकि जहां पर आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी परियोजना से भागलपुर शहर का जो एक सबसे हृदय स्थलीय है स्टेशन चौक, वहां अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है, जहां पर कि हजारों लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, अपने
गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट सिटी से एक ईंट तक नहीं लग पाया और जिस हवाई अड्डे से आज तक हवाई जहाज नहीं उड़ पाया है उसके बाउंड्री वॉल पर करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी कि सरकारी राशि का दुरुपयोग यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही नगर निगम की तरफ से हम लोग PMO को पत्र लिखने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अभी जब हम महापौर मोदिया के साथ निरीक्षण करने के लिए आए हैं उनके साथ, तो हमको तो घोर आश्चर्य हो रहा है कि हमारा दक्षिणी खंड को स्मार्ट सिटी का एक रुपया नहीं मिला, जो शहर का सबसे घनी आबादी क्षेत्र है, सारे विधायक सांसद उसी के वोट से जीतते हैं और ये गांव का पंचायत का यहाँ पे पेवर ब्लॉक तक लग गया है, स्मार्ट सिटी नाला बन गया, रोड बन गया, ये तो घोर आश्चर्य है। ये तो एकदम खड़े खर लूट मचा के रखा हुआ है यहाँ पे जी स्मार्ट सिटी के द्वारा। वहीं मेयर ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि भागलपुर में जल्द से जल्द हवाई सेवा की शुरुआत की जाए जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब हवाई सेवा की शुरुआत की कोई बात केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई, उसके बाद यहां पर सरकारी राशि लगाना कितना वाजिब है यह समझा सकता है, आखिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ हवाई अड्डे के पूरब साइड जो इलाका सबौर प्रखंड के अंतर्गत दारी पंचायत में आता है, उसमें भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम कर दी गई है। यहाँ पर पेवर्स ब्लॉक लगाने के साथ साथ नाले का भी काम कर दिया गया है। इसको देखकर भी मेयर काफी भड़क गई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बड़ा घोटाला किया जा रहा है।